भिखारी समझने की गलती मत करना। इंजीनियर है और दुबई में कमाता था, लेकिन बीवी की वजह से आज ये हालात हो गए। एक बुजुर्ग आदमी गंदे कपड़े में सड़क पर घूम रहा था, लेकिन जब उसके बारे में पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल वह कोई भिखारी नहीं बल्कि एक इंजीनियर है जो किस्मत का मारा है और अपनी पत्नी के अनबन होने के बाद अकेला रहने लग गया। एक बुजुर्ग आदमी गंदे कपड़े में सड़क पर घूम रहा था, लेकिन जब उसके बारे में पता चला तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल वो कोई भिखारी नहीं बल्कि एक इंजीनियर था और अपनी पत्नी के अनबन होने के बाद अकेला रहने लगा है। उनको देखने से लगता है कि वो शायद कचरा बीनते होंगे। इस आदमी को फिल्माने वाले का वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में एक आदमी बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ खाया है। बुजुर्ग आदमी जवाब देता है कि नहीं खाया है, पर वीडियो शूट करने वाला आदमी उन्हें खाने का पैकेट और पानी की बोतल देता है। आखिर सड़क पर घूमता हुआ ये व्यक्ति इंजीनियर से भिखारी कैसे बन गया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। सड़क पर घूमता हुआ नजर आया इंजीनियर। एक अचानक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि वो पहले इंजीनियर था, जिससे कैमरे वाले की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने और भी उसके बारे में जानना चाहा। तब उसने पूछा कि कैसे वो इस हालात में आ गए। बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कचरा बीनते हैं, उन्होंने बताया कि उनके परिवार की समस्याएं और पैसे की कमी ने उन्हें इस मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो दुबई में भी काम करते थे। ये सारा वाक्य बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। उनके पास वाले आदमी ने धीरे से उनके आंसू पोंछे और कहने लगे कि उन्हें अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने बुजुर्ग आदमी को अपनी वर्तमान स्थिति स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बुजुर्ग आदमी आगे कहते हैं कि उनके और भी सपने थे, लेकिन लगता है कि किस्मत ने उनके जीवन को पलट दिया है। आज हालात कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @JRRawal ने पोस्ट किया था और इसका कैप्शन था, मैं एक इंजीनियर हूँ। इस वीडियो को अब तक 19.3 मिलियन बार देखा गया है और 2.1 मिलियन लाइक्स मिले हैं। कई लोगों ने कमेंट्स में बुजुर्ग आदमी के लिए सहानुभूति दिखाई। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हुआ था। वहाँ भी एक बुजुर्ग आदमी सड़क पर भीख मांगता हुआ मिला था। उन्होंने कहा कि वो IIT कानपुर के पूर्व छात्र है। 90 साल के उस आदमी का नाम सुरेंद्र वशिष्ठ था। कई बार हमारी किस्मत और हमारी मेहनत एक साथ काम नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिसके बारे में हमने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होता है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। वैसे आपकी इस विषय में क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। अभी के लिए केवल इतना ही।